नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। वालटोली अस्पताल घाट निवासी किशोरी से कंपाउंडर ने की छेड़छाड़। जी हां, आपको बता दें, कानपुर के अस्पताल घाट निवासी किशोरी के साथ अस्पताल के कंपाउंडर ने छेड़छाड़ की। जब पीड़िता के परिवारजनों ने थाने में तहरीर दी तो पुलिस कंपाउंडर के बजाय पीड़िता के भाई को ही उठा लाई। इसके बाद पीड़िता के साथ आए लोगों ने जमकर हंगामा किया। पीड़िता किशोरी 17 साल की है और अपने माता पिता के साथ ग्वालटोली थाने के अंदर गदाने वाले अस्पताल घाट में रहती है। 2 दिन पहले ही उसे पेट में काफी तेज दर्द हुआ तो परिजन पास के ही एक नर्सिंग होम में इलाज के लिए ले गए, जहां उसे भर्ती कर लिया गया। वहीं पर काम करने वाले कंपाउंडर ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ कर दी। सोमवार की सुबह जब किशोरी को डिस्चार्ज किया जा रहा था, तभी उसने अपने परिजनों को अपने साथ हुई हरकत की सूचना दी। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से इस घटना की शिकायत की, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद परिजनों ने थाने में तहरीर दी। आरोप है कि देर रात आरोपी पक्ष के कुछ लोगों ने पीड़िता के घर पहुंचकर हमला कर दिया और तोड़फोड़ की। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों पर कार्यवाही करने की बजाय पीड़िता के भाई को ही उठा लिया। इस पर गुस्साए परिजन रात भर हंगामा करते रहे। क्या मामला है आपका? हमारा मामला ये है कि हम लोग गए थे उसके अस्पताल क्लिनिक में और उसके साथ मतलब पहुँचा और ना कोई नहीं था। उसके साथ उसके पापा थे और वहाँ पर ये हुआ कि उसके पापा को भेज दिया गया और उसके साथ गलत बात करने लगे, गलत गलत चीज़ों पर हाथ लगाने लगे और भागा वहाँ। मैं तो कुछ भी वो कर सकता था। ये कहाँ का मामला है? आपने इसके बारे में कहाँ का सूचित किया जब मामला हुआ? और एसीपी साहब के यहाँ आप आए, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने ये कहा कि आप जाइए थाने, वहाँ जब सुनवाई होगी, कुछ भी नहीं करा उसने। पुलिस प्रशासन से आप क्या सहयोग चाहते हैं? हम बस ये चाहते हैं कि इसका इंसाफ मिले और जो मेरा भैया वहाँ फंसा है वहाँ से उसको सजा मिले। उसकी माँ बहन जो भी है दोनों।